गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 7 इंडिगो। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग लेसन 5th के बाद 7th स्टडी कर रहे हैं। 6th जो हमारा लेसन है ऑन रीडिंग रिलेशन टू लिटरेचर, इससे मैंने अभी थोड़ा छोड़ा है। जब हम लोग रेगुलर क्लासेस में मिलेंगे तो मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ाना चाह रहा हूँ, मन से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि लिटरेचर से रिलेटेड है, थोड़ा डीप चैप्टर है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको, इस चैप्टर को 6 को जंप करके लेसन नंबर 7 पे आ गए हैं, जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो वैसे एक कलर होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना, ये रेनबो का भी एक कलर होता है ये। तो इंडिगो का मतलब पता है आपको? इंडिगो का मीनिंग होता है नील। आपकी मम्मी जब कपड़े धोती हैं आपके, तो वाइट कपड़ों के अंदर नील लगाती है ना, ये वही चीज़ है, उसी से संबंधित है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छी तरह से हमारी हिस्ट्री से, खासकर हम जो भारतीय हैं, हम लोगों के स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी गहरा ही ताल्लुक रखती है, बहुत गहरा संबंध रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिगो से हमारे स्वतंत्रता संग्राम का क्या लेना देना। तो ये स्टोरी एक्चुअली, इसके राइटर जो है लुईस फिशर है, जिनका बर्थ 1896 में हुआ था, उनकी डेथ 1970 में हुई थी। और लुईस फिशर ने ये जो स्टोरी लिखी, ये एक्चुअली बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में हमने कई बार डिस्कस किया है, तो आपको भी अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ। तो ये इंडिगो यानी नील, इसका जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो महात्मा गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू के नाम से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चंपारण आंदोलन के बारे में आपने 6, 7, 8, 9, 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये स्टोरी वहीं से रिलेटेड है, बहुत गहरी संबंध रखती है। इस चैप्टर को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। दूसरी चीज, इसमें बहुत सारी इंसिडेंसेस है, घटनाएं हैं, सोशल इंसिडेंसेस हैं, पॉलिटिकल इंसिडेंसेस हैं, ठीक है नहीं, इसलिए इसमें हम इसे बड़े आराम से इसको स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए कि छोटा बड़ा क्वेश्चन कोई ना कोई तो जरूर इससे आता ही है, और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से यानी हमारे फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर है। दूसरी चीज, इसका जो मेन सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और किस तरह से एक मोमेंट शुरू हुआ जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए, और अचानक जो है यूँ कहें कि चंपारण आंदोलन जब उनकी लाइफ में रहा, तो उनको पता चला कि सत्याग्रह जानते हैं ना, ठीक है ना, सत्याग्रह का क्या प्रभाव होता है, किस तरह से हम अहिंसक तरीके से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है, मैं इसकी आज पूरी समरी एक साथ नहीं सुनाऊंगा आपको, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसकी समरी भी स्टडी करते जाएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट जो मैंने लिया है, ये यहाँ पर हमारे यहाँ एक कैरेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस होता है, रियल कैरेक्टर कहेंगे, राजकुमार शुक्ला के नाम से, ठीक है, बड़ा सिंपल सा किसान है, पीजेंट है, और वैसी हालत है उसकी जैसे भारतीय किसानों की उस समय में हुआ करती थी। आज भी कोई खास बदली, ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुई है। तो उससे रिलेटेड है कि वो गांधी जी को जो है अपने यहाँ पे ले जाना चाहता था चंपारण में, ठीक है नहीं है, और वहाँ जो नील की जो खेती करते हैं, ठीक है नहीं है, उस नील की खेती का जो प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ जो बटेदार व्यवस्था होती है ना, शेयर क्रॉपिंग जो होती है, उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। तो उसी के बारे में था कि किस तरह से जो नील का उत्पादक जो कृषक थे, किसान थे, वो आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वो जो वहाँ जो जमींदार थे, वो जो ज़्यादातर यूरोपियन थे, बहुत रिच पर्सन थे, वो उनका एक्सप्लोइटेशन शोषण कर रहे थे, और वो उनको आशा की एक ही किरण नजर आ रही थी, और वो थे महात्मा गांधी। और वो इस शिकंजे से, जो इन जमींदारों का शिकंजा था, उससे छूटना चाहते थे। तो ये इंडिगो उसी से रिलेटेड है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो इंडिगो जो थी जनरली जो है, पहले तो ये क्रॉप से ही होती थी, नेचुरली होती थी, लेकिन अब जो है ये सिंथेटिक भी होने लगी। आपने टीवी में ऐड देखा होगा, ठीक है नहीं है, तो सिंथेटिक है यानी केमिकली इसको फॉर्म किया गया। और ये जब हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के बीच में पता चला था कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो जो है उन्होंने जो है वो इन्वेंट कर ली थी, ठीक है नहीं है। तो अब नेचुरल जब आर्टिफिशियल चीज़ अवेलेबल हो जाती है, तो नेचुरल चीज़ जो है जो कि महंगी पड़ती होगी शायद, ठीक है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो हम इस चैप्टर को फेज बाय फेज स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम इसके बारे में अबाउट द चैप्टर और अबाउट द राइटर पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया लुईस फिशर। मैं साथ ही आपको और एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, आप अभी घर पर हैं, तो एक बहुत फेमस फिल्म है गांधी जी की लाइफ पे बनी हुई,
गांधी, ठीक है, नहीं है तो उस मूवी को जरूर देखिए। उस मूवी को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और ये एपिसोड उस फिल्म में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो वहीं आपको मिस्टर लुई फिशर जो है वहाँ नजर आएंगे उस स्टोरी के अंदर भी, आप उस फिल्म में भी देखेंगे। बाय द वे जो गांधी फिल्म है इसको भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, उसका अवार्ड भी मिला था। उसके बाद एक फिल्म और भी नॉमिनेट हुई थी, आपने आपको पता होगा, लेकिन हम लोग हमारा सब्जेक्ट मैटर भी इसी पर रखेंगे। तो ये फिल्म आप देखिए, इससे आपको और जानकारी मिलेगी। और अभी कुछ समय पहले 15 अगस्त गई है तो मैंने देखा अक्सर किसी न किसी चैनल पे ये फिल्म टेलीकास्ट हुई होगी, तो आपने शायद देखी होगी, नहीं तो वापस से देख लीजिए, आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो अब हम लोग PDF फॉर्म में इसका स्टडी करेंगे। पहले हम लोग अबाउट द राइटर, अबाउट द लेसन पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5th पार्ट के साथ मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। कंसंट्रेट करते हैं, थैंक यू। अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इसके PDF फॉर्म पर। तो ये जो PDF फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लोग अबाउट द लेसन और अबाउट द राइटर पढ़ेंगे। तो इसलिए बिल्कुल पेज के लास्ट में पहुँच जाइए, अपनी बुक के बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे होता है ये, ठीक है। हम पहुंच गए हैं लास्ट के अंदर अबाउट द लेसन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है किसी फॉरेनर यानी किसी अंग्रेज ने लिखा है और उनका नाम है लुई फिशर। अबाउट द लेसन और राइटर हम पढ़ते हैं। लुईस फिशर बॉर्न इन 1896 एंड डाइड इन 1970 वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया ऑन 29th February 1986, ठीक है। ही स्टडीड एट फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी फ्रॉम 1914 to 1916 एंड आफ्टरवर्ड बिकम ए टीचर, ठीक है, बाद में टीचर भी बन गया। ही वर्कड विद सेवरल न्यूज़पेपर्स। लुई फिशर्स मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड इज लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इन 1950 लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पे एक बुक लिखी थी, लाइफ ऑफ लेनिन, ठीक है ना, जो रशिया के बड़े लीडर थे इनकी भी इन्होंने लाइफ स्टोरी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है। ए लाइफ ऑफ लेनिन वॉन हिम द 1965 नेशनल बुक अवार्ड इन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो मेड इन टू ए फिल्म गांधी विच वॉन द एकेडमी अवार्ड 1982। अब देखिए ये जो फिल्म बने, जो इन्होंने बुक लिखी थी लेनिन के लाइफ के ऊपर, उसको भी बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। और उसके बाद जो इन्होंने बुक लिखी महात्मा गांधी के ऊपर, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस पर तो गांधी फिल्म जो बेस्ड है ना, वो इसी बुक के ऊपर बेस्ड है। तो अब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम लुईस फिशर्स बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो चैप्टर है ये एक छोटा हिस्सा है उस किताब का जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसे लुई फिशर ने लिखी थी। इन इंडिगो द ऑथर डिस्क्राइब हाउ गांधी प्लेड ए वाइटल रोल इन फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और ये बताया गया है कि शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार व्यवस्था होती है ना, खेती की काश्तकारी व्यवस्था, उसके अंदर किस तरह से जो ब्रिटिश रूल के टाइम में थी वहाँ जो इनजस्टिस था, महात्मा गांधी ने किसानों की तरफ से वो लड़ाई लड़ी थी। द पुअर पीजेंट्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय द कनिंग लैंड ओनर। जो जमींदार थे वो बहुत चालाक थे, धूर्त थे, वो बेचारे भोले वाले काश्तकारों को, किसानों को जो है बेवकूफ़ बना देते थे, उनका शोषण करते थे। द लेसन एक्सपोजेज हाउ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मेड द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट साइन एग्रीमेंट टू परमानेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन। किस तरह से उनको जो बेचारे अशिक्षित किसान थे उनको बहला फुसला के, दबाव में, धमका के, कैसे भी कह सकते हैं, उनसे साइन करा लिए थे जिससे कि वो उनका लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण कर सके। इंडिगो बिकम द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सोटेशन एंड महात्मा गांधी द चैम्पियन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सटोर्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। और महात्मा गांधी इस एक्सप्लॉयटेशन, शोषण और इस बुरे कार्य के खिलाफ लड़ने वाले एक चैम्पियन बने थे। और महात्मा गांधी ने यहीं से जो एक तरह से अपने राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण फ्रेज प्रारंभ किया था, चरण प्रारंभ किया था। और यहीं से हमारी इस बुक में भी क्वेश्चन है कि किस तरह से चंपारण एपिसोड यानी जो ये
इंडिगो मूवमेंट है, ये महात्मा गांधी के लिए लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट रहा है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। द लेसन ऑल्सो शोज हाउ गांधी वॉज एबल टू यूनाइट द पीजेंट, लिबरेट देम एंड फॉर्म द फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ रिप्रेशन एंड क्रिएट इन देम द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने उनको जो है लिबरेट करने के लिए वर्क किया है, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश रूल का जो डर था उस भय से मुक्त करने की उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि भय मुक्त अगर डर से मुक्त हैं तो आप कहीं भी जो है डिफीट नहीं खाएंगे, आप तो गलत का विरोध कर सकेंगे। तो गांधी जी ने यही एक तरह का एक्सपेरिमेंटल अपन कह सकते हैं कि गांधी जी ने चंपारण में किया, और वहाँ पर उन अशिक्षित किसानों को ब्रिटिश रूल के डर से मुक्त कर दिया था। लुइस फिशर ऑल्सो शोज हियर हाउ गांधीजी स्टे ऑफ मोर देन 7 मंथ इन चंपारण प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर मूवमेंट। देखिए लाइन आ गई है, नहीं केवल इंडियन स्ट्रगल मूव जो है फ्रीडम के लिए उसके अंदर टर्निंग पॉइंट था, बल्कि महात्मा गांधी के जीवन के लिए भी था। हम तो ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले गांधी जी सिर्फ गांधी जी थे, और इस एपिसोड के बाद वो जो है वो महात्मा गांधी बन गया, क्योंकि वो अपने एम में सक्सेस रहे थे। As it was here that Gandhi for the first time used this most potent weapon of civil disobedience, Savinaya Avagyana Andolan. Savinaya, यानी बिल्कुल politely उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी इन नियमों को नहीं मानेंगे। And non-violence, non-violence आप जानते हैं अच्छी तरह से, non-violence means अहिंसा, अहिंसक तरीके से हम किस तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। गांधी की ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी देन है, इसलिए विदेशों में भी गांधी जी बड़े महत्व रखते हैं। आज भी भारत और गांधी की पहचान है विदेशों में, नॉन वायलेंस विद इनक्रेडिबल सक्सेस, और ये बहुत बड़ी सफलता थी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग के अंदर चलते हैं चैप्टर के। इस चैप्टर को हमने जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, लेसन 7 इंडिगो। मैं आपको वापस से रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने लेसन 6 नहीं पढ़ा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, हम लोग इसको क्लासरूम में जब भी हम मिलेंगे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैंने चूज़ किया, इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर बनता है क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड है, बनना ही है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग आज पढ़ रहे हैं, When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, Sevagram के अंदर जो उनका मध्य भारत के अंदर जो उनका आश्रम था, Sevagram वही जिसे हम लोग साबरमती कहते हैं ना, वहीं गुजरात के अंदर। I will tell you how it happened that I decided to ask the departure of the British. It was in 1917. ये 1917 की बात है, और किस तरह से इसी आंदोलन से एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत के बोरिया बिस्तर बंधने शुरू हो गए थे, मतलब उनको भारत को आज़ाद करना ही था। He had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. ये समय है लखनऊ के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1916 के अंदर उसका जो अधिवेशन होने वाला है। देयर वर 2,301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, इतने तो दल थे और साथ में बहुत सारे विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, और वो याद करते हुए गांधी जी बताते हैं, ए पीजेंट केम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, एक किसान मेरे पास आया और वो किसान वैसा ही था जैसे भारत के दूसरे किसान होते हैं, पुअर एंड एमएससीएटेड, बहुत ही गरीब और बिल्कुल निर्बल था। एंड सेड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, इस नाम को याद रखिएगा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में मेरे साथ चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने चंपारण का नाम ही नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय, ये हिमालय के अंदर जो है वहीं के आसपास की बात है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और नेपाल के बिल्कुल पड़ोस की बात है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, और वहाँ बहुत एक पुरानी व्यवस्था थी, चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर, और ये बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी एक ऐसा ही किसान था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो अशिक्षित तो था लेकिन दृढ़ निश्चय था। देखिए मैं आपको इस बात को कहूँ कि अशिक्षित होना कोई बात नहीं, हमारे जैसे पूर्वज फोर फादर थे वह अशिक्षित थे लेकिन फिर भी बहुत समझदार हैं, ठीक है, नहीं है, रिजोल्यूट बिल्कुल दृढ़ हैं। ही हैड कम टू द कांग्रेस
सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और वो लखनऊ के इस अधिवेशन में इसलिए आए थे कि वो जो जमींदारी प्रथा है बिहार में वो उसके अन्याय की शिकायत कर सकें। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी ने कह दिया था स्पीक टू गांधी कि गांधी जी से बात करो ताकि तुम्हारी कुछ समस्या का हल निकल सके। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड कैन ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि मैं मुझे कानपुर के अंदर आना है, तो जब मैं कानपुर आऊँगा और उसके बाद दूसरे देश के हिस्सों में जाना है तब मैं आपसे मिल लूँगा। देखिए कानपुर की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, ये पुराने टाइम वाले कानपुर की स्पेलिंग है, ठीक है नहीं है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला जी ने तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। देखिए किसी चीज़ के लिए हमें प्रयास करना जरूरी है, एक बार या दो बार प्रयास से काम नहीं चलेगा, कंटिन्यूसली। तो देखिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ शुक्ला जी साथ साथ जा रहे हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, और गांधी जी फिर आश्रम के अंदर आ गए नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास में जैसे हमने बात की साबरमती के अंदर जो उनका आश्रम है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला जो है वो वहाँ भी पहुँच गए साबरमती भी। एंड वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक गांधी जी का पीछा ही नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, बार बार वो कहते थे नहीं आप तो अपॉइंटमेंट बताइए कि आप कब आप लोग जो है हमारे चंपारण आ रहे हैं, बार बार वो अनुरोध करता था। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनिसिटी एंड स्टोरी गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। देखो मुझे कलकत्ता आना है इस तारीख को, एक काम करना तो मुझे कलकत्ता आ जाना फिर मुझे वहाँ ले चलना। और गांधी जी भी इनकी दृढ़ निश्चयता से बिल्कुल प्रभावित हो गए थे। मंथ पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन द हॉन्चेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड, कई महीनों बाद वो जो कलकत्ता गांधी जी पहुँचे और देखो शुक्ला जी वहाँ उकड़ू बैठे हुए मिल गए। कई बार मेरे से स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे प्रॉब्लम बताइए, मैं कहता हूँ ठीक है छुट्टी के बाद मेरे से मिल लेना, स्टूडेंट भग जाता है क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट ही नहीं होता ना पढ़ने के अंदर। लेकिन देखिए हमारे यहाँ जो राजकुमार शुक्ला जी हैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने में कितना इंटरेस्ट है, बात समझ में आ रही है। तो देखो गांधी जी भले ही भूल गए हों लेकिन राजकुमार शुक्ला जी वहाँ पर पहले ही कलकत्ता में पहुँचे हुए, वहाँ बिल्कुल उकड़ू बैठे हुए हैं, ठीक है ज़मीन के ऊपर गांधी जी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किस अपनी समस्या को बिल्कुल पीछे लगना बहुत ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है, हमें स्केपिस्ट नहीं बनना है। हम यहाँ ये चीज़ सीख रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और जब तक उसने इंतजार किया जब तक गांधी जी ने अपने सारे काम निपटा लिए। देन द टू ऑफ देम बोर्ड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर दोनों के दोनों हैं गांधी जी और शुक्ला जी दोनों ही वो ट्रेन में बैठे और पटना आ गए, पटना तो बिहार की राजधानी है पता है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। हाँ ये वही राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और बाद में कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष बने थे, ये उनके घर और बहुत बड़े वकील हैं ये भी, ठीक है नहीं है। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, वो शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर यो मैन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद जी के घर के अंदर जो नौकर थे वो इस शुक्ला जी को अच्छी तरह पहचानते थे कि ये बिल्कुल वो बिल्कुल जिद्दी किसान है जो बिल्कुल एक कीड़े की तरह जो है बिल्कुल उनके मालिक को परेशान करता है कि मेरी बार बार मदद की जाए इस बटाईदार और नील की खेती की समस्या के लिए, ठीक है। तो यदि किसी राजेंद्र प्रसाद जी के पास भी ये मैटर गया था और उनके नौकर भी इससे परिचित थे कि ये एक पुअर किसान है, ठीक है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, और इसलिए उन नौकरों ने जो है उस राजेंद्र शुक्ला को जो है कहा कि तुम यहाँ ठहर सकते हो, जमीन पे ही उसकी दरी बिछी थी वहीं बैठ गए और साथ में उसके साथी को भी। देखिए नौकर तो गांधी जी को पहचान ही नहीं, तो साथी जी को भी वहीं से ही बैठा दिया। गांधी हुम दे टुक टू बी अनादर पीसेंट, और सर्वेंट जो थे ना राजेंद्र प्रसाद जी के उन्होंने सोचा शायद ये भी किसान का साथ आया तो ये भी कोई किसान ही होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पुराने समय में जो जातिगत व्यवस्था थी ना ऊँची जाति नीची जाति उसके ऊपर भी थोड़ा व्यंग टाइप है कि वो गांधी जी को उन्होंने जो कुआ था ना
घर वहाँ पे उस कुएं से पानी नहीं भरने दिया पीने दिया, ठीक है नहीं है, क्योंकि गांधी जी की उनको जाति पता नहीं थी, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पानी को छुएं तो हमारा जल ही अशुद्ध नहीं हो जाए। खैर अब ये छुआछूत तो जातिवाद की व्यवस्था हमारे भारत से ख़त्म सी हो गई है, कुछ जगह पे मिलती है अभी भी, लेकिन आप और हम जो प्रयास करेंगे तो हम जो है निश्चित रूप से इस बुराई से भी जो है छुटकारा पा लेंगे। तो देखिए उन्होंने गांधी जी ने भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताया, भाई नौकरों को तो क्या बताएं, ठीक है ना, हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। अब उनको कौन समझाए कि गांधी जी तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि वो तो बनिया कम्युनिटी से थे, ठीक है ना, ये महाजन कम्युनिटी से थे, तो लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं, आपने पानी नहीं भरने दिया, नहीं पिया उन्होंने। गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन इन रूट टू चंपारण, और फिर गांधी जी ने डिसाइड किया, शायद हो सकता है शायद राजेंद्र जी से इनकी मुलाकात नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम मुजफ्फरपुर चलते हैं जो चंपारण जाने के रास्ते में ही पड़ता है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। क्योंकि देखो शुक्ला तो एक सामान्य सा किसान था, उसको जो जानकारी थी वो गांधी जी को दे दी, लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वकीलों को जानकारी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी चाहिए, वो शायद वो नहीं दे पाता, इसलिए वो जो थे वो चाहते थे कि गांधी जी चाहते थे कि वो जब चंपारण पहुँचे वो मामले की पूरी छानबीन जिसे कहते हैं ना पूरा होमवर्क करके वहाँ जाएँ ताकि अपनी बात को प्रभावी तरीके से कह सकें, इसलिए वो जो है वो पहले मुजफ्फरपुर रुकना चाह रहे थे। अब मुजफ्फरपुर में देखिए किससे मिलना चाहते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है और आप लोग परिचित भी होंगे भारतीय जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू द प्रोफेसर जे बी कृपलानी, ये भी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, ठीक है ना, ये जे बी कृपलानी को उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया, खैर अब तो टेलीग्राम बंद ही हो गए, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो वहाँ के आर्ट कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होंगे, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन, और ये टैगोर के शांति निकेतन में जो कलकत्ता के पास में है ना वहाँ पे मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और रात के लगभग मध्य रात्रि ट्रेन जो है वहाँ मुजफ्फरपुर पहुँचने वाली थी 12 बजे, नहीं अब ध्यान से देखिए 15 अप्रैल 1917, ये बात है 15 अप्रैल 1917 की। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, और वहाँ पे प्रोफेसर जे पी कृपलानी जो थे वो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आए थे। देखिए पहले प्रोफेसर्स का टीचर्स का इतना प्रभाव होता था, ठीक है, जब इन टीचर ने कहा अपने स्टूडेंट्स को भी कि अपने बहुत ही प्रसिद्ध नेताजी जो लीडर हैं वो आ रहे हैं गांधी जी, तो उनके स्टूडेंट ने कहा सर हम भी मिलना चाहेंगे, तो इसलिए सब उनका स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पर रात को ही पहुँच गए, ठीक है नहीं है, आजकल ऐसा समर्पण जो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों में ही नहीं है। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, और वहाँ पे वो एक और नाम है हमारे यहाँ पर प्रोफेसर मलकानी जी का, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे उनके घर पे रुके थे वहाँ पर, ठीक है। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। देखिए उस समय बहुत ही साहस की बात थी कि जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को अपने घर में वो लोग ठहराए जो सरकारी नौकर हैं या सरकारी अधिकारी है। तो देखिए कृपलानी जी और मलकानी जी सरकारी अधिकारी थे, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने गांधी जी को अपने घर में ठहराया। इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे ऊपर देशद्रोह का या किसी देश विरोधी व्यक्ति की मदद का आरोप लगेगा, क्योंकि ये जो है भारत की आज़ादी में ज़्यादा रुचि ले रहे थे, ठीक है नहीं है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कौन समस्या में पड़े, इसलिए इन जो हमारे जो लीडर्स हैं जो हमारे नेता जो थे उनको बहुत ज़्यादा खुल के सपोर्ट नहीं करते थे, हो सकता है पीठ पीछे या गुप्त रूप से करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ देखिए प्रोफेसर कल्पलानी जी और प्रोफेसर मलकानी जी ने बहुत मदद की, गांधी जी को अपने घर पर रोका, पूरी इस केस को स्टडी किया होगा जब वो मुजफ्फरपुर या कोर्ट में चल रहा होगा, तो हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम यहीं आज रुकना चाहेंगे। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट लेसन के अंदर जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग दोनों वीडियो शूट और इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।